अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्पाइसी वेजिटेबल कटलेट्स। तो उसके लिए मेरे पास ज़्यादा किलो आलू हैं, ये मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, तो इनको मैं अभी मैश कर लूँगी। तो ये सारी सब्जियां हैं, ये बंद गोभी एक छोटी सी प्याली, तो एक ये शिमला मिर्च, तो गाजर, ये सब्जियाँ जाएँगी इसमें, ये सारे स्पाइस जाएँगे, तो मैं साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी। सिर्फ एक चम्मच हम ऑयल डालेंगे, ये तेल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें सारे मसाले डालते हैं। पहले सब्ज मिर्च एक टीस्पून, एक टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, एक टेबलस्पून कुटा हुआ जीरा, एक टेबलस्पून नमक, एक टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, एक टीस्पून ये कुटी हुई मिर्च, एक टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, ये एक टीस्पून चाट मसाला। ये सारे मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए एक मिनट हो चुका है, फ्राई हो गई है अच्छी तरह से, तो हम सब्जियां डाल देंगे। ये बंद गोभी बारीक बारीक काट रखी थी मैंने, शिमला मिर्च थी एक अदद, एक अदद छोटी सी गाजर थी, इनको थोड़ा सा हम कुक करेंगे, इनका मॉइस्चर ही ख़त्म करना है बस सब्जियों का। हाँ जी, ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं पकती हुई सब्जी, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। उतनी देर में आलू मैश करती हूँ। जितनी देर हमारी ये सब्जी मैंने निकाल ली है प्लेट में, तो जब तक ये ठंडी होगी तो ये मैं आलू मैश करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए मैंने आलू मैश कर लिए हैं, तो अब हम इसमें डालते हैं, ये सब्जी भी ठंडी हो चुकी है, ये डाल देंगे। मैंने तो अपने हिसाब से सारी नमक मिर्च डाली है, आप लोग अपने हिसाब से डालें, कम खाने खाते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा डालें, अगर बच्चों के लिए बनानी है तो फिर आप सिर्फ काली मिर्च ही डालें। सब्ज़ चीज़, ये मैंने 100 ग्राम चीज़ डाल दी है, चेडर चीज़, तो ये सब्ज़ धनिया, तो अब हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। माशाल्लाह से मिक्सचर सारा मिक्स कर लिया है, सब्जियां, चीज़, आलू, सारा कुछ मिक्स हो गया अच्छी तरह से। हाँ, ये छोटा छोटी सी टिक्कियां बना लेंगे, आप जिस तरह से मर्जी शेप बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ऐसी शेप में भी बना ले इस तरह से, ऐसे गोल भी बना सकते हैं आप ऐसे। ये सारी बन चुकी हैं, आधे किलो की देखे कितनी सारी बन गई माशाल्लाह। तो अब ये हम पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ये ब्रेड क्रम लगा देंगे। इस तरह से बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं, इस तरह की वेजिटेबल वाली बच्चों को बना के दें
तो बच्चों के लिए फिर स्पाइस कम डालें, तो एटलीस्ट सब्ज़ी तो जाएगी उनके अंदर, जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते उनके लिए ये बेस्ट आइडिया है। जी ये देखिए मैंने बना लगा के रख ली ब्रेड क्रम्ब, तो हम फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं इनको। तेल गर्म हो चुका है, या आप इस तरह से ब्रेड क्रम्ब लगा के भी कर सकते हैं, तो इस तरह से अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्ब नहीं है घर में तो अंडा लगा के फ्राई कर लें ऐसे। ये मीडियम टू लो गैस पे हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, पहले एक साइड गोल्डन हो जाए ना तो फिर हम टर्न कर देंगे। अब हम टर्न ओवर कर देंगे, एक साइड उनकी हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से ये